Hello guys, welcome to your channel Automobile Innovations. So guys, let's start this video. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, ना ही इस वीडियो में मैंने किसी और आदमी का मदद लिया है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये मॉडिफिकेशन या फिर ये लेदर रैप सभी को पसंद आए. सो अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इस वीडियो को, तो आप इस वीडियो को अभी ही डिसलाइक करके क्लोज कर दें. सो चलिए गाइस, वीडियो को आप देख लेते हैं. So guys, this is the my new dashboard. So guys, what I've did to it. So guys, I am recently thought to wrap up the dashboard of the car. The curiosity developed in my mind, and I am really going mad on it. So guys, the first thing which was did by me is, okay, don't mind them. These are the boss check. Firstly, अभी ये गाड़ी उतनी अच्छी सी ये क्लीन नहीं हुई है. हालांकि रैपिंग तो पूरा हो चुका है, मगर गाड़ी क्लीन नहीं हुई है. अब स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का भी यहाँ पे चल रहा है ये किस्सा. तो उसको होने के बाद ये आर्मरेस्ट पूरा ठीक हो जाएगा. जब मेरा आर्मरेस्ट टूट गया है, ठीक है, वो होने के बाद, ये होने के बाद, तब मैं गाड़ी को क्लीन करूँगा और एक फेसबुक पे एक वीडियो डालूंगा और एक इंटीरियर मॉडिफिकेशन पे लिस्ट पे वीडियो डालूंगा, ठीक है. तो तब आप देखना गाड़ी की क्या खूबसूरती निखर के आती है. फर्स्टली आई हैव रैप्ड माय स्टीयरिंग व्हील. सो गाइस, एज यू कैन सी, दिस इज द प्योर रेक्सीन लेदर, राइट. ओके, सो आप बोलोगे लेदर क्यों नहीं यूज़ किया, तो लेदर में यार क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, पहली बात यही है. अदरवाइज कॉस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे लेदर से ज़्यादा बेटर लुक इसका लग रहा है, ठीक है. अब देखो एकदम पूरे अच्छे तरीके से इसमें बारीकी से इसमें काम किया हुआ है, पूरा एकदम परफेक्ट मैंने काम किया है, किसी का भी मदद नहीं लिया है गाइस. पूरा एकदम परफेक्टली बॉस चेक लगा के इसको रैप अप किया है मैंने, कहीं से भी आप चेकआउट कर लो, एकदम परफेक्ट आपको ये लुक देगा. सेकेंड चीज़ है गाइस, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है, इस पोर्शन को मैंने लेदर से कवर किया है, ठीक है. मैं आपको लाइट मार के दिखाता हूँ. ओके, सो ये देखिए, ये पूरा पोर्शन लेदर से रैप्ड है, ठीक है. और जो थर्ड चीज़ है वो है ये डैशबोर्ड. यहाँ पे मैंने फोम का एप्लीकेशन किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं. और ऊपर भी मैंने फोम का यूज़ कर रखा है ऊपर में. हालांकि गाइस चॉकलेट दिया है मैंने कलर ब्राउन, और नीचे में दिया है मैंने, ये ब्राउन नीचे में है, ऊपर में चॉकलेट है. जो ऊपर में शेड यूज़ हुआ है देख सकते हैं, वही शेड यहाँ पर भी यूज़ हुआ है लोअर पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड में. और अपर पार्ट है वाइट कलर का, ये देख सकते हैं वाइट कलर का है, परफेक्ट है गाइस, टच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त है. और थर्ड चीज़ है ये वाला पोर्शन. मैंने सोचा क्या, मैंने देखा गाइस ये लुक काफ़ी अच्छा नहीं आ रहा. अब अभी देखो कि इसका लुक कैसा आ रहा है. आप खुद गाइस नोटिस कीजिए, लाइट्स ऑन करता हूँ, ठीक है, आप खुद नोटिस कर लीजिए. ओ माई गॉड, मच्छर, नोटिस कीजिए गाइस. तो मैंने क्रोम वाला फिटमेंट सारा हटा के इसमें लेदर स्टिचिंग्स डाली हैं, देख सकते हैं पूरा परफेक्टली स्टिच डाला है, यहाँ भी स्टिच डाला है, यहाँ भी स्टिचेस डाले हैं परफेक्टली, एकदम पूरा बारीकी से काम किया है, कर रखा है. कहीं से भी आपको ऑकवर्ड अप डाउन, डाउन साइड अप साइड कहीं से भी नहीं लगेगा. परफेक्टली मैंने लेदर का यूज़ किया है. जब ये पूरा बॉस टेक वगैरह क्लीन हो जाएगा, तब मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू दिखाऊंगा. जैसा स्पार्क में डिज़ाइन आता है, उस तरह का डिज़ाइन अभी भी इस पर बना हुआ है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, अभी तक वो तरह का डिज़ाइन है. और थर्ड चीज़ है गाइस, ये पैनल भी मैंने पूरा रैक्सीनाइज कर दिया है. इसके लिए माइंड मत करना, इसको मैं शॉर्ट आउट जल्द ही कर रहा हूँ. और गाइस इसका मुझे कोई उपाय लगे तो बताओ, अदरवाइज़ ये भी क्लीन होने के बाद झकाझक दिखेगा. पूरा मैंने इसमें रिंकल्स डाले हैं, ठीक है, और ये परफेक्टली इसी तरह हो पाया, इससे ज़्यादा इसमें नहीं हो पा रहा है. और गाइस मैंने ये डोर पे जो रैक्सीन लगा उसको निकाल दिया है, और इसे पेट्रोल से मैं क्लीन कर दूंगा, डोर पे रैक्सीन्स नहीं लगेंगे. और अगर लगेंगे तो इसे मैं नहीं लगा पाऊंगा बेसिकली, मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है इस गाड़ी का. और मैंने थर्ड चीज़ जो की है वो इस गियर लीवर पे एक सबसे सुप्रीम क्वालिटी का मैंने लेदराइट डाला है. चेकआउट करिए, इसमें मेटलिक कलर का है ये, ठीक है, मेटलिक कलर का है. और यहाँ पे गियर लीवर पे मैंने स्टिचेस डाले हैं. और हैंडब्रेक का तो लीवर आपने देख ही रखा होगा, उस पर भी हमने कुछ काम कर रखा, हालांकि वो अभी तक फिट नहीं हुआ है, और वो नहीं मैं अभी फ़िट करवाऊँगा क्योंकि ये अभी वर्किंग कंडीशन में है. और हालांकि इसका लीवर टूटा हुआ है, लेकिन ये है वर्किंग कंडीशन में. और एयर क्लोज एयर वेंट्स ओपन करके इस तरह से दिख रहा है, क्लोज करके इस तरह से दिख रहा है. सब बटन्स परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी देख लो, यहाँ वाला बटन भी परफेक्टली काम कर रहा है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. एक और बात, मेरा जो वाइपर का प्रॉब्लम था, जो साउंड करता था वाइपर, वो भी शॉर्ट आउट हो गया है, चेकआउट करना,
ठीक है, आप एक बार चेकआउट करिए कितनी अच्छी, मतलब पूरी साउंड स्मूथ साउंड आ रही है, पूरा परफेक्ट हो गया गाइस, सो थम्स अप। और गाइस बाकी कोई खास काम नहीं हो रखा है, यही मैंने रैपिंग किया है अभी हाल ही में, तो सोचा कि आप लोग के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। और कुछ अगर इसमें खाली वगैरह लग रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं ज़रूर इसको क्लियर करता हूँ। और अगर अच्छा लगा तो थम्स अप दे दो, अगर चाहिए आपको ऐसा खुद करना है, प्राइसिंग वगैरह की बात में बारों में बारे में जानना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करो। और एक बात और, अगर आप सोच रहे हो कि 3,000, 4,000, 10,000, 8,000 जैसा कि आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा, तो उस तरह का इसमें कोई भी फंडा नहीं है। विद इन 500 आपको ये सब कुछ हो जाएगा। जी हाँ, हाँ सर, खेलो विद इन 500 ये आपको हो जाएगा। यूज़ क्या क्या हुआ है, बॉस्टेक यूज़ हुआ है, 1 ब्रश यूज़ हुआ है, 1 ब्लेड यूज़ हुआ है और रैक्सिन यूज़ हुई है। सो गाइस मेरा मन था काफ़ी ज़्यादा कि ड्यूअल कलर में करना है, ट्रिपल कलर में करना है, तो इसलिए मैंने किया। अगर आप सिंगल कलर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल ऑटोमोबाइल इनोवेशन एंड ड्राइव सेफ।